पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ में शातिर चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 8 चोरियों का खुलासा करते हुए उनके पास से भारी मात्रा में नकदी समेत 2 लाख के जेवरात और विदेशी मुद्रा बरामद की। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चोर अंतर जनपदीय गैंग के शातिर सदस्य हैं, जो लखनऊ के ही महानगर और हजरतगंज इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से चोरों का ये गैंग गोमती नगर विस्तार में बंद घरों को निशाना बनाते हुए लगभग 8 घरों से नकदी समेत जेवरात पार कर चुका है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शातिर चोर, जिनका नाम सनी उर्फ नवीन राजपूत और शुभम सिंह है, डीसीपी चारू निगम के मुताबिक ये शातिर चोर कभी लग्जरी कार तो कभी कबाड़ी वाला बनकर घूम घूम कर बंद मकानों को चिन्हित करते थे और उसके बाद वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस इनके फरार साथी बाराबंकी निवासी शफीक की तलाश में जुटी है। पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग पिछले 4 महीने से लगभग भरवारा और खरगापुर क्षेत्र में गोमती नगर में घूम घूम के रेकी करते थे दिन में और रात में घटनाओं को अंजाम देते थे। तो इन लोगों से फिर और पूछताछ की गई तो लगभग 2 लाख के पीली धातु के और सोने चांदी के दिखने वाले जवाहरात बरामद हुए हैं और नकदी लगभग 72,500 रुपये की बरामद हुई है। 320 रुपये के थाईलैंड की करेंसी है, जिनके घर से गई थी, चोरी हुआ था, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई भी किया है। तो इसमें कुल 8 घटनाएं गोमती नगर विस्तार में इनके द्वारा की गई हैं। बाकी थानों को भी सूचना दी गई है कि इनके अगर जो फुटेज कई कई जगहों पे आई है तो उससे पूछताछ इनके इनसे की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने तेज तर्रार रिपोर्टर शिवा शर्मा से। शिवा, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई और जिस तरीके से लगातार पुलिस की जो कामयाबी कही जा रही है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जरा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए आलोक, बीते 4 से 5 महीने में गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार इलाकों में कई बंद मकानों में चोरियां हो रही थी और इस बात की शिकायत को लेकर के पुलिस के बड़े अफसरों से शिकायत की जा रही थी कि उन चोरियों की घटनाओं का खुलासा नहीं हो रहा है, लिहाजा पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। लेकिन पुलिस को कल देर रात सफलता प्राप्त हुई है और चेकिंग के दौरान उसने 2 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया है जो लखनऊ के ही महानगर और निषादगंज इलाके के रहने वाले हैं, हजरतगंज इलाके के रहने वाले हैं, जिनका नाम सनी उर्फ नवीन राजपूत और शुभम सिंह है। ये दोनों ही लोग बड़े शातिर चोर हैं और ये लोग खुद कभी कभी फोर व्हीलर से और खुद को कबाड़ी का भेस बना करके उस इलाकों में रेकी करते थे, फिर उन घरों में जो जिन घरों में ताला बंद होता था उन घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। तो गोमती नगर विस्तार इलाके में बीते 4 महीनों में जो 8 चोरियां हुई थी वो पुलिस का दावा है वो इसी गैंग के द्वारा हुई थी। इनका एक जो फरार साथी है जिसका नाम शफीक है, जो बाराबंकी का रहने वाला है, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। लेकिन पुलिस ने इनके पास से 72,500 रुपए, 320 रुपए की विदेशी मुद्रा और 2 लाख रुपए की कीमती नकदी जेवरात के जो चीजें हैं वो बरामद की है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि ये अन्य 8 अलावा चोरियों के साथ साथ कई ऐसी चोरियां हैं जो अलग अलग जिलों में की जा सकती है, तो इनके द्वारा कबूल की जानी है। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ करेगी और लखनऊ के और जो अन्य चोरियां हैं जो इन्होंने की होगी समाप्ता और जो इनके माल की बरामदगी को लेकर के जो बातें होंगी वो जरूर आगे पूछताछ में क्लियर होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 शातिर चोरों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया।